श्रावण मास महात्म्य अध्याय 15। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी क्या विधि होती है। ईश्वर बोले, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों का नैवेद्य अर्पित करें, साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसका अनंत पुण्य होता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। रोहित नाम का एक राजा था। बहुत समय बाद भी जब उसे पुत्र नहीं हुआ, तब पुत्र की अभिलाषा वाले उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा यह कहे जाने पर भी पुत्र के लिए अति लालसा वाला वह हटवश अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुआ। इसके बाद जब राजा तपस्या करते करते संकट ग्रस्त हो गए, तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और बोले, मैंने आपको पुत्र का वर दे दिया है, किंतु वह अल्पायु होगा। तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे मेरा बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें हर्ष तथा शोक देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी तथा राजा रोहित ने प्रेम पूर्वक उसका नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के डर से उसका विवाह नहीं किया। तदनंतर 16वें वर्ष में वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को महान चिंता होने लगी कि जिनके कुल में यदि ब्रह्मचारी मर जाए, उनका कुल विनष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय क्या है अथवा है ही नहीं? यदि हो तो अभी बताएं, जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों यानी ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं। मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देशकाल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से आभ्युदयिक करके अग्नि स्थापन कर आधार होम करके चारों व्याहृतियों ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रतानुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्वे देवों के लिए घृत की आहुति डालें। तत्पश्चात स्विष्टकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देशकाल का उच्चारण करके इस प्रकार बोलें, मैं अर्क विवाह करूंगा। तत्पश्चात सुवर्ण से अभ्युदयिक कृत्य करके अर्क शाखा यानी आग पौधे की डाली तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करें और पीले रंग के दो वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजन नामक अग्नि में आचार होम करें तथा अग्नि के लिए आजी होम करें। तत्पश्चात चारों व्याहृतियों ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह से बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत से स्विष्टकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। तत्पश्चात आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। मृतक अथवा म्रियमाण मरने की स्थिति वाले के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कर्ण तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करना चाहिए। उन्हें चरण पादुका क्षत्र माला गोपी चंदन प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करना चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता।
ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा बहुत धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या को प्रदान करेगा। उस नगर में कोई ब्राह्मण था, उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी पहले से ही मृत हो चुकी भार्या से एक सुंदर पुत्री विद्यमान थी। राजा को दूसरी पत्नी थी जो दुष्ट मन वाली थी और उसके प्रति बुरे विचार रखती थी। वह कन्या 10 वर्ष की थी। वह दीन थी तथा अपने सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेलेपन के द्वेष तथा अत्यधिक धन के लोभ के कारण उस सौतेली माता ने 1,00,000 मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के निमित्त दे दिया। कन्या को लेकर के वे लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास गए और शव के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके अनंतर विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित होकर कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर वाल स्वभाव के कारण वह रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी, आप सभी लोग एक साथ चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी, जब ये उठेंगे तब मैं इन पतिदेव के साथ चली जाऊंगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन वहाँ इस प्रकार कहने लगे, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान ना जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस असहाय कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को तथा इस शव को नहीं जला सकते, इसलिए यदि सभी को अच्छा लगे तो हम लोग यहाँ से चले जाना चाहिए हमें। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या हो रहा है इसे ना जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। वृषभ पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को ना जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि क्या मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे? तब उसके बाल स्वभाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम ऐसा कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति उठ जाएं। तब उसने सब कुछ वैसे ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त उठ गए। उस कन्या को व्रत का उपदेश करके शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? तब उस कन्या ने कुछ वृत्तांत कहा और इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए हुए मनुष्यों ने आकर के राजा से निवेदन किया, हे राजन, आपके पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के तट पर विद्यमान हैं। विश्वस्त लोगों से ये बात सुनकर के राजा बहुत हर्षित हुए। वे हर्ष भेरी बजवाते हुए नदी के तट पर आए। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट कर आ गया है। इस पर राजा पुत्रवधु की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रशंसा योग्य तो यह वधु है। मैं भाग्यहीन और अधम हूँ, धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्रवधु है, क्योंकि इसके पुण्य के प्रभाव से मेरा यह पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्रवधु की प्रशंसा करके राजा ने दान और सम्मान के साथ
श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले गए अपने मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा, इसके 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातः काल आम के पल्लवों के साथ चरुका होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के अनंतर शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सुपोदन खष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमो नारायण।